नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि टर्बाइन के अंदर वैक्यूम कैसे ड्रॉप होता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर अभी नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ध्यान रहिए, यदि आपको पावर प्लांट से रिलेटेड किसी भी फील्ड से किसी भी इक्विपमेंट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दें ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। चलो, आज के टॉपिक के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपको वैक्यूम के बारे में पता होना चाहिए कि वैक्यूम क्या होता है। इन द सेंस ऑफ वैक्यूम बोला जाए तो ए रीजन वेयर नथिंग इज अवेलेबल, यानी कि वहाँ पे प्रेशर इतना कम होता है कि वहाँ पे कोई भी क्रिया स्पॉट नहीं करेगी वहाँ पे होने के लिए। जैसे कि बात करें तो वहाँ का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो वहाँ पे भी कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे हेल्प सपोर्ट नहीं करती होने में। तो बात करें तो व्हाट इज़ वैक्यूम? वैक्यूम इज़ दैट वेयर द गैसियस प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे जो गैसेस का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल ही कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एट दैट रीज़न को हम वैक्यूम स्पेस बोल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि टरबाइन के अंदर किन किन कारणों से वैक्यूम कम होता है, क्योंकि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम क्यों बनाते हैं। इसके लिए मैं एक सबसे अच्छा वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, वो इस वीडियो के बाद ही मैं वो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी वो वीडियो भी अंडर प्रोग्रेस में ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वैक्यूम क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाते हैं वैक्यूम। वैक्यूम हम टरबाइन के अंदर इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो स्टीम हम टरबाइन के अंदर एडमिट करते हैं उससे हम मैक्सिमम वर्क डन करवा सकें, तो ताकि हम टरबाइन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वैक्यूम के द्वारा। तो ये तो बात रही कि वैक्यूम क्यों बनाते हैं टरबाइन के अंदर। अभी बात करते हैं कि टरबाइन के अंदर किन किन कारणों से वैक्यूम कम होता है। तो सबसे पहला कारण है कि यदि जब आपका टरबाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो तब क्या करते हैं, जो नॉन कंडेंसेबल गैसें हैं जो इजेक्टर है उनको रिमूव करता है, तो उनकी तादाद बढ़ने लगती है, तो उसकी जो एक लिमिट तक ही इजेक्टर वहाँ से गैसेज निकाल पाता है। तो क्या हम वहाँ पर जब हॉट गैसेज अनकंडेंसेबल गैसेज ज़्यादा बनने लगती हैं वहाँ पे क्या है, उसकी जो इजेक्शन कैपेसिटी वो धीरे धीरे डाउन होती है, तो धीरे धीरे जो अपना इजेक्टर है वो धीरे धीरे उनको अपने एक लिमिट्स तक ही उनको रिमूव आउट करता रहता है। बट बाद में क्या करता है कि उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो क्या होता है कि वैक्यूम धीरे धीरे डाउन चला जाता है। तो अभी मैं उन कारणों का बात करूँगा कि जिन कारणों से वैक्यूम टरबाइन के अंदर वैक्यूम धीरे धीरे से डाउन होता है। उसमें बात करें तो जो जैसे कि बात कर ले तो आपकी टरबाइन नॉर्मल रनिंग कंडीशन चली हुई है, आप धीरे धीरे लोड रेज कर रहे हैं, तो बट आपने कोई भी बात करें तो एम कूलिंग वाटर तो आपने सेम रखा हुआ है, और क्या करें तो आपने अब धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हो वहाँ पर, आप स्टीम डिमांड तो बढ़ा रहे हो लेकिन आपने कोई भी टरबाइन के अंदर कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं किया इन थिंग जो सर्कुलेटिंग वाटर है। तो क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग एक लिमिट तक ही कूलिंग करता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे जैसे लोड बढ़ाते तो वहाँ पे क्या है एग्जॉस्ट टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो कूलिंग वाटर जो सर्कुलेटिंग वाटर है वो तो अपनी एक हमने जो एक सेट पॉइंट प्री डिटरमाइंड सेट पॉइंट हमें दे रखा था तो वो तो हमने इनको बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो क्या हमने वहाँ पे लोड हम धीरे धीरे रेज करते रहे, तो क्या है जब अपना टरबाइन के अंदर स्टीम ज़्यादा इनलेट हुआ
धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर वक्रन भी ज़्यादा हुआ, तो क्या है जो कंडेंसेट है वो भी ज़्यादा फोम होगा, तो क्या है उसको कूल आउट करने के लिए जो हमें कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने उसको दी नहीं पाई, तो क्या है धीरे धीरे उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अपना वैक्यूम धीरे धीरे डाउन होता जाता है। ये तो रही पहला कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब भी एक्सेस वाटर लेवल एट कंडेंसर, यदि आपने देखा होगा कि जब कंडेंसर के अंदर जब इवन बात करें तो हॉट वेल लेवल, जब हॉट वेल लेवल हाई जाने लगता है तो क्या है कंडेंसर में भी एक कंडेंसर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो टर्बाइन से कंडेंसेट निकल रहा है तो उसको कूलिंग डाउन के लिए जो स्पेस नहीं मिलेगा, तो क्या है धीरे धीरे क्या बैक प्रेशर जनरेट होगा जिससे कि जो हमारा कंडेंसेट हो धीरे कूल डाउन नहीं हो पाएगा, तो क्या है धीरे धीरे एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या धीरे धीरे वैक्यूम डाउन होता चला जाएगा। ये थी अपनी सेकेंड थिंग। जो थर्ड थिंग है, यदि आपको बात करें तो यदि आपने जो इजेक्टर के लिए जो वाल है बात करें तो जैसे कि जो स्टीम वाल है या फिर कोई इजेक्टर का एयर वाल है जो आपने प्रॉपर से उसको खोला नहीं है, तो क्या है वहाँ पे भी जो इजेक्टिंग कैपेसिटी होती है इजेक्टर की वो धीरे धीरे कम होगी, तो उससे क्या है कि आपको वैक्यूम भी प्रॉपर नहीं बनेगा और धीरे धीरे वैक्यूम डाउन जाता रहेगा। और बात करें तो यदि लंबे टाइम से आपने इजेक्टर का मेंटेनेंस नहीं कराया है तो क्या होगा उसमें जो नोजल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं उसमें थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि एयर नोजल्स है या फिर स्टीम नोजल्स है उसमें क्या इंटरनल स्केलिंग आ लगती है, तो क्या होगा उसका जो डिस्चार्ज एरिया वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो क्या उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो इजेक्शन कैपेसिटी है इजेक्टर की वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, जिससे कि आपका प्रॉपर वैक्यूम तो बन नहीं पाएगा और क्या है धीरे धीरे वो, ये भी एक बड़ा रीज़न होता है कि कई कई बारी मैंने ऐसा देखा है कि अपना वैक्यूम जो इजेक्टर वो प्रॉपर वैसे वैक्यूम बना नहीं पाता, तो मोस्टली 20-30% उसमें केसेस में देखा गया है कि उसके नोजल्स चॉक्स हो जाते हैं। तो यदि आपका भी आपके कहीं पे भी वैक्यूम नहीं बनता है तो यदि पहले तो एक्सटर्नली आप चेक करवाइएगा कि जैसे कि मैं आगे आपको एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा, तो जब आपको कोई रीजन्स फाइंड आउट नहीं हो तो फिर आप उसको इस रीजन के आगे जा सकते हैं कि आप उसको इजेक्टर्स के नोजल्स निकलवा के आप उनको क्लीन करवा सकते हैं। तो फोर्थ थिंग ये है कि यदि आपकी कोई गैस्केट वगैरह जो इजेक्टर में है वो कहीं से लीक आउट हो गई हो या फिर ब्रेकआउट हो गई हो, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से वो एयर धीरे धीरे से सक करने लगता है जिससे कि वैक्यूम प्रॉपर से नहीं बन पाता। ये भी एक रीज़न है। और बात करें तो यदि आपका वैक्यूम ब्रेकर वाल है वो भी आपको जैसे ही कई जगह पे मैंने देखा कि DCS से ही वैक्यूम ब्रेकर ओपन कर देते हैं, कई बार वैक्यूम ब्रेकर पूरी तरह से बंद नहीं होता, तो क्या होता है उसमें धीरे धीरे से एयर वो सक करता रहता है जिससे कि कंडेंसर में वैक्यूम अच्छी तरीके से नहीं बन पाता और वैक्यूम अपना धीरे धीरे डाउन होता रहता है। ये भी केसेस है। और एक फर्दर एक केसेस है, यदि आपने कभी जब कंडेंसर की आप क्लीनिंग करवाते हैं शट डाउन में, तो क्या होता है कि जब हम कंडेंसर के जो मैन होल खोलते हैं तो आफ्टर दैट उसमें प्रॉपर वे से गैस्केट हम फिट नहीं कर पाते या कहीं से हम नट बोल्टिंग लूज रख देते हैं, तो क्या एट दैट टाइम वहाँ से भी अपना वो एयर सक करता रहता है जिससे कि वैक्यूम डाउन होता रहता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है वैक्यूम डाउन होने का। और बात करें तो रैप्चर रिक्स की, आपने देखा होगा जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमें सेफ्टी के लिए हमने एक रैप्चर डिस्क दिया होता है, कई बार वो वियर आउट हो जाती है, तो वियर आउट हो जाती है तो उसमें भी वैक्यूम प्रॉपर वे से नहीं बन पाता, ये भी एक रीजन्स है। यदि जो मैंने ये इससे पहले जो भी मैंने रीजन्स बताए हैं, यदि आपके प्लांट में वैक्यूम
अच्छी तरीके से नहीं बन पा रहा है या फिर अदर कोई रीजन्स है, तो फर्दर आप जो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप इन पॉइंटों को वहाँ पे चेकआउट करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये प्लांट में प्रॉब्लम आती है और जो लोग ऑपरेशन करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी सफिशिएंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते थे कि टर्बाइन में वैक्यूम कैसे डाउन होता है। यदि मैंने कुछ रीजंस और नहीं बताए हो तो प्लीज़, और भी कोई रीजंस हो सकता है वैक्यूम डाउन होने का, तो प्लीज़ आपने रीजंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और किन कारणों से वैक्यूम टर्बाइन के अंदर डाउन। और एक कारण ये भी है कि मैंने इवन फिजिकली मैंने देखा है कि यदि कूलिंग टावर का पानी का TDS बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, उसका ब्लो डाउन नहीं किया जा रहा, तो क्या करता है कि वो जो कूलिंग टावर वाटर की जो हीट एक्सचेंजिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डाउन होती है, जिससे क्या होता है कि वो कंडेंसर में जो कंडेंसेट को कंडेंस करता है तो वो प्रोपरवेशन नहीं कर पाता, जिससे क्या है कि हमारा एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ के चलता है। तो क्या है कि वो भी एक कारण होता है कि अपना वैक्यूम धीरे धीरे डाउन होता जाता रहता है। और बात करें तो किन कारणों से एक सडनली वैक्यूम ड्रॉप होता है, तो सबसे पहला कारण ये है कि बाय चांस यदि जो अपने सर्कुलेटिंग वाटर पंप है, कूलिंग वाटर पंप है, वो अचानक से सक्शन छोड़ जाए, मीन्स दैट कि काफ़ी ये तो बिल्कुल फाल्टी ऑपरेशन में गिना जाएगा, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जो मैंने सुने हैं कि कूलिंग टावर वाटर डाउन आ गया, जो कूलिंग टावर लेवल है वो डाउन आ गया, जिससे क्या है कूलिंग वाटर पंप्स को ने सक्शन छोड़ दिया, जिससे क्या है कि जो सर्कुलिंग वाटर जो कंडेंसर में जाता है वो जाना बंद हो गया, जिससे सडनली से वैक्यूम डाउन हुआ और टर्बाइन ट्रिप हो गया। तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि यदि कहीं से कंडेंसर से कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर इनग्रेसिंग हो रही है, तो वो भी एक रीजन होता है कि सडनली से वैक्यूम डाउन हो जाता है। और बात करें तो किसी वजह से कंडेंसर में वाटर लेवल कम होता जाता है, मींस दैट वही बात हो गई कि किसी ना किसी से जो अपनी कूलिंग वाटर सप्लाई है वो कहीं से डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से सडनली से वैक्यूम अपना जो ड्रॉप हुआ है, ये भी एक रीजन है। और बात करें तो रॉन्ग ओपनिंग ऑफ ब्रेकिंग वैक्यूम ब्रेकिंग वाल, कई बार क्या होता है कि जो फील्ड से यदि डिसीएससी नहीं होता तो वो गलत तरीके से उसको ओपन करके रख देते हैं, उसको जब क्लोज करना होता है वो प्रॉपर वे से उसको क्लोज नहीं करते, जिससे कि कई बार होता है कि वैक्यूम सडनली से ड्रॉप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सीपी पंप ने कंडेंसेट एक्सप्रेस पंप ने कई बार काम करना बंद हो जाता है या फिर वो ट्रिप हो जाता है, उससे क्या होता है कि सडनली से अपना जो कंडेंसर लेवल है या फिर हॉट वेल लेवल है धीरे धीरे राइजिंग मोड में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको